वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा ये टॉपिक है, दिस इज़ फॉर द अप्लाइड बायोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट एंड मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है, और सेल बायोलॉजी में जो टूल यूज़ किए जाते हैं उनका वीडियो है। इट इज़ रिलेटेड विद द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये ऑनलाइन मैं स्लाइड से आपको करवा रहा हूँ, बहुत अच्छी स्लाइड है ये, इसलिए आपके लिए लेके आया। तो ये जो है इनिशियली मेड बाय मेडफर्ड बॉर्न एंड्रेन इन 1937 विद एन एम टू सरपास द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोस्कोप माइक्रोस्कोप था, उसकी जो लिमिटेशन थी उसको, यानी सभी में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अल्ट्रा थिन सेक्शन, अगर थिक सेक्शन को देखना हो तो हमने इसके लिए यूज़ किया था। इसमें हाई रेजोल्यूशन पावर थी स्कैन करने की, स्मॉल रेटर यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट आर फोकस ऑन द रेस्टर। ई आल्सो एम टू रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन इमेज बाय द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो टैम होता है, यानी टैम जो माइक्रोस्कोपी है उससे एबरेशंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इमेज में ड्यू टू द क्रोमेटिक कलर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। इनको उसने सॉल्व किया था। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मोर स्टडी फॉलोअर बाय साइंटिस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन सच एज द कैम्ब्रिज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कंपनी हु इवेंचुअली डेवलप ए फुली कंस्ट्रक्टेड स्कैनिंग माइक्रोस्कोप इन 1965। जो कंप्लीट जो बना था वो कैम्ब्रिज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने बनाया था 1965 में, और नेम इट एज द स्टीरियो स्कैन। इसको उन्होंने स्टीरियो स्कैन का नाम दिया था। आई होप आपको क्लियर है। इसका जो प्राइस है काफ़ी है, अप्रॉक्सीमेटली $1 मिलियन, काफ़ी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है ये। बाकी अगर इसकी हम बात करें तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये, जो कि सरफेस को स्कैन करता है। इससे में जो हम स्कैनिंग करते हैं वो सरफेस की होती है ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द यूज़ ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन का बीम डाला जाता है एट द लो एनर्जी टू फोकस द स्कैन स्पेसिमन। इसमें एनर्जी लो यूज़ की जाती है। द डिवेलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज ड्यू टू द इनएफिशेंसी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप था उसकी जो वेवलेंथ बहुत, इसकी लिमिटेशन थी, उसकी रेजोल्यूशन पावर कम थी। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ की जाती है इन कंपेरिजन टू द लाइट माइक्रोस्कोप विच एनेबल द बेटर रेजोल्यूशन पावर। इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट बहुत ही अच्छा है इसमें। तो ये दिस इज़ द फुल इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर द सैम। ये आप जो डायग्राम देख रहे हो, दिस होल मशीनरी इज़ द सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें एक कंप्यूटर ऑटोमेटेड होता है, जो इमेज आता है इसमें ले लेता है वो। और ये वो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में देखा था, वहाँ सैम एंड टैम दोनों है। यहाँ से ये इसका सरफेस व्यू करके दिखाया हुआ है, सरफेस प्रोटीन जो है ये इसका इमेज बना हुआ है। अब इसका प्रिंसिपल्स क्या है। अनलाइक द ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच यूज़ द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाते हैं आर पार चले जाते हैं उसको यूज़ करता है टैम। स्कैनिंग में जो है अमिटेड इलेक्ट्रॉन जो स्कैट होकर वापस आते हैं उसको यूज़ करता है। स्कैनिंग जो माइक्रोस्कोप है वर्क ऑन द प्रिंसिपल अप्लाइंग कनेटिक एनर्जी टू प्रोड्यूस सिग्नल ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसमें कनेटिक एनर्जी देनी जरूरी होती है, यानी कनेटिक एनर्जी के प्रिंसिपल का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो पार्टिकल की सरफेस को एक्टिव करती है, उससे चेंजेस आते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन स्कैंडरली इलेक्ट्रॉन, फिर उससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होकर बाहर आते हैं वो स्कैंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड डाइफ्रैक्टेड बैक इलेक्ट्रॉन होते हैं विच आर यूज टू व्यू द क्रिस्टलाइज एलिमेंट एंड फोटोन। तो इससे क्रिस्टलाइज एलिमेंट एंड फोटोन को यूज़ किया जाता है। स्कैंडरली और बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन है, इससे इमेज आता है। तो आपने नोट कर लेना, जो सैम है उससे इमेज कौन आ देते हैं, स्कैंडरी एंड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको क्लियर हो गया। स्कैंडरी इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द स्पेसिमन, जिस स्पेसिमन से इलेक्ट्रॉन आते हैं। प्ले एंड प्राइमरी रोल इन डिटेक्टिंग द मॉर्फोलॉजी एंड टोपोग्राफी ऑफ द स्पेसिमन। तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो पढ़ते हैं सरफेस के ऊपर स्पेसिमन की, तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनसे ही हमें जो मॉर्फोलॉजी है उसकी बनतर है पता चलती है, और टोपोग्राफी उसकी कन्फर्मेशन स्पेसिमन की पता चलती है। जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रास्ट देते हैं, कंट्रास्ट देंगे विद द बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड में क्या है और इमेज में क्या है उसको कंट्रास्ट करेंगे, जैसे ब्लैक एंड वाइट का
कंट्रास्ट होता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं फ्रेंड्स, यहाँ इसकी पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन देख सकते हो, ये व्यू करके दिखाया हुआ है। यहाँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन का बीम है। फर्स्ट कंडेंसर लेंस लगा है, फिर इसमें स्प्रे अपर्चर है, छोटा अपर्चर है जिससे इलेक्ट्रॉन की स्प्रे होती है। फिर सेकंड कंडेंसर लेंस आ गया इसमें, उसके बाद डिफ्लेक्शन कॉइल्स लगी है, फिर फाइनल लेंस अपर्चर है और बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। नीचे एक डिटेक्टर लगा है जो कि बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करता है। यहाँ आपका स्पेसिमन है, यहाँ एक्सरे डिटेक्टर है, एक्सरे को ऑब्जॉर्व करेगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जो कि इमेज को देखता है, यानी स्पेसिमन को जो विजुलाइज करता है। यहाँ वैक्यूम पंप है क्योंकि वैक्यूम की ज़रूरत है, जो एयर इसमें 0% चाहिए, नेग्लिजिबली कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो एयर के पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं, उनके आयनाइजेशन करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उससे इमेज में एबरेशंस आ सकती है। और यहाँ एक है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, इसमें वो भी डिटेक्टर लगा जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लेता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आर फ्रॉम द टंगस्टन फिलामेंट लैंप दैट आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द कॉलम एंड इट इज़ सिमिलर टू डोज ऑफ द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप। यानी इसमें बेसिकली लेंस नहीं होते, जो ग्लास लेंस नहीं होते जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होते, इसके जो लेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, कॉइल होती हैं बेसिकली, ये टंगस्टन फिलामेंट की जो इलेक्ट्रॉन देती है। द इलेक्ट्रॉन आर मीटेड आफ्टर द थर्मल एनर्जीज अप्लाई टू इलेक्ट्रॉन सोर्स एंड लो टू मूव इन द फास्ट मोशन द एनोड, एनोड की ओर जाते हैं और हीट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो पॉजिटिव चार्ज को जाते हैं। द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट द अमिशन ऑफ द प्राइमरी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एट द हाई लेवल एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एट द लो एनर्जी लेवल फ्रॉम द स्पेसिमन। तो इससे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन का बीम होता है, तो उससे जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले जाएंगे वो प्राइमरी होंगे, उसके बाद जो स्पेसिमन की सरफेस के निकलेंगे वो सेकेंडरी होंगे। सो बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इंटरेक्ट विद द स्पेसिमन टू प्रोड्यूस सिग्नल, फिर एक सिग्नल देता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है विद द सरफेस एंड टोपोग्राफी एंड कंपोजिशन ऑफ द स्पेसिमन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। द स्पेसिमन डज नॉट नीड स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर विजुलाइजेशन अंडर सैम, स्पेसिमन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इवन एयर जो ड्राइड सैंपल है वो भी इसको डायरेक्टली देखे जा सकते हैं, यानी हमने हवा में सुखा दिया फिर भी इसको देख सकते हैं। हो एवर जो माइक्रोबियल स्पेसिमन है उसकी फिक्सेशन चाहिए, डिहाइड्रेशन चाहिए एंड ड्राइंग इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल फीचर। माइक्रोब के लिए तो पूरी प्रेपरेशन चाहिए, जैसे हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, पढ़ा होगा आपने। इससे सेल के जो फीचर हैं वो कलेप्स नहीं करते, और सेल वेन एक्सपोज टू हाई वैक्यूम ऑफ माइक्रोस्कोप, जब हाई वैक्यूम में स्पेसिमन माइक्रोब का रखा जाता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, तो इसलिए पहले इसको फिक्स करना ज़रूरी है। सैम्पल आर माउंटेड एंड कॉन्टेड विद अ थिन लेयर ऑफ हैवी मेटल एंड लो द स्पेटियल स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमन अलोइंग बेटर इमेज प्रोडक्शन। फिर इसमें जो स्पेसिमन होता है, सैम्पल जो हमने लेना है, उसको माउंट करने से पहले क्या किया जाता है, कोटिंग होती है हैवी मेटल पार्टिकल की, उसे कोट किया जाता है, इससे जो स्पेटियल स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ऑन द सर्फेस ऑफ स्पेसिमन हो जाता है, इससे इमेज बेटर आता है, उसकी क्लैरिटी ज़्यादा होती है। स्कैनिंग बाई दिस माइक्रोस्कोप इज अटेंड बाई टैपरिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक एंड फोर्थ ओवर द थिन सेक्शन ऑफ माइक्रोब। इसमें जो इलेक्ट्रॉन द बीम है वो सरफेस के पीछे और ऊपर दोनों साइड पड़ता है, आगे पीछे पड़ेगा तो सरफेस अच्छी व्यू करेगी, यानी बैक एंड फोर्थ, यानी जो डायरेक्ट इमेज है जो सरफेस शेडो बना देती है उसको भी स्कैन कर लेता है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन रीच द स्पेसिमन द सरफेस रिलीजेस से टिनी स्टाफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये मैंने बता दिया, यानी जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जब पड़ते हैं स्पेसिमन के ऊपर, फिर छोटे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि स्पेसिमन डिटेक्टर होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद व्हेन द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रीच द इंटर द डिटेक्टर दे स्ट्राइक इन ए सिंटिलेटर, एक सिंटिलेटर डिवाइस होता है जो रेडियो एक्टिविटी या ल्यूमिनेंस काउंट करता है, फिर ये सिंटिलेटर से डिटेक्ट होते हैं। ल्यूमिनस मटीरियल डेट फ्लोरेसेंट विन स्टक बाय द चार्ज पार्टिकल और द हाई एनर्जी फोटोन, फिर वो ग्लो करना शुरू करता है, यानी जो उसमें मटीरियल होता है सेंटीलीटर में वो ग्लो करना शुरू करता है। दिस अमिट द फ्लैश ऑफ द लाइट विच गेट कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल करंट बाय फोटो मल्टीप्लायर, फिर जहाँ से जो लाइट निकलती है सेंटीलेटर से, फिर वो उसको कौन करता है, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो जाती है बाय फोटो मल्टीप्लायर, फिर सिग्नल दिया जाता है कैथोड को बाय
रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब से। दिस प्रोड्यूसेस ए इमेज डैट लुक लाइक ए टेलीविज़न पिक्चर, टेलीविज़न की पिक्चर तरह इमेज बनता है। डैट कैन बी व्यूज और फोटोग्राफ, इस पर इसका फोटोग्राफ लिया जा सकता है। क्वान्टिटी ऑफ द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डैट इंटर द डिटेक्टर, दिस इज़ द मेन थिंग, इज़ हाईली डिफाइंड बाई नेचर ऑफ द स्पेसिमन, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे डिटेक्टर में और कितने सिंटिलेटर काउंटर को एक्टिव करेंगे वो स्पेसिमन की सरफेस के डिपेंड करता है। डैट इज़ द रेज सरफेस रिसीव हाई क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सरफेस ऊबर खाबड़ होती है जिसमें एसिमेट्री ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिसीव करते हैं, फिर वहाँ से ज़्यादा डिटेक्टर में जाएंगे। जो डिप्रेस्ड सर्विस हैं, जो बीच में जिसमें पिट्स बनी होती हैं, डीप ग्रूव होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन कम ही आएंगे, ये ऑबियस है। सो उससे इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से कम आते हैं। सो रेज सर्फेस विल अपीयर ब्राइटर ऑन द स्क्रीन वाइल डिप्रेस विल डार्क, जो डिप्रेस होंगी वो डार्क नज़र आएंगी, जो ऊपर रेज सर्फेस होगी ऊबर खावड़ होंगी वो ज़्यादा अच्छी नज़र आएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके जो पार्ट्स हैं ये भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए। कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स, फर्स्ट जो इसका पार्ट है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें थर्मल हीट वोल्टेज जो है 1 से 40 kV दी जाती है। इलेक्ट्रॉन कंडेंस इनटू बीम, बीम बन जाता है फॉर क्रिएशन ऑफ एन इमेज एंड एनालिसिस। देर आर 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स, इसमें टंगस्टन फिलामेंट है, उसके बाद लेंथियम हेक्साब्राइड है एंड फील्ड मिशन गन FEG है, ये इलेक्ट्रॉन के सोर्स हैं। उसके बाद जो इसका स्टूडेंट सेकंड पार्ट है डैट इज़ द लेंस, लेंस जो सेवरल कंडेंसर लेंस लगे होते हैं, इसमें फोकस द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स थ्रू द कॉलम फॉर्मिंग ए नैरो बीम, बीम नैरो करते हैं, डैट फॉर्म ए स्पोर्ट कॉल्ड एट द स्पोर्ट साइज, जो यानी कलेक्ट करता है बीम को। उसके बाद आती है स्कैनिंग कॉइल, थर्ड कॉम्पोनेंट है कॉइल, दे आर यूज टू डिफ्लेक्ट द बीम ओवर द स्पेसिमन सर्फेस, जो सरफेस के बीम है उसको डिफ्लेक्ट करता है। डिटेक्टर है, सेवरल डिटेक्टर लगे होते हैं जो डिफरेंशिएशन करवाते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की, बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन की एंड डिफ्रैक्टेड बाय बैक इलेक्ट्रॉन की। जो ये सारे इलेक्ट्रॉन है इसकी जो डिफरेंशिएशन है डिटेक्टर से होती है। दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट। द फंक्शन ऑफ द डिटेक्टर इज़ हाईली डिपेंड ऑन द वोल्टेज स्पीड्स, वोल्टेज स्पीड डेंसिटी पे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद डिस्प्लेस डिवाइस है, आउटपुट जैसे मॉनिटर होता है, पावर सप्लाई वैक्यूम होना चाहिए। सो लाइक द टैम, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, शुड बी फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन एंड एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट, इसमें कोई नहीं होना चाहिए, ये सेंसिटिविटी इसकी इफेक्ट होती है इससे। ये इसके इमेजेस हैं, यू कैन सी हेयर प्रॉपरली, दिस इज द इमेज फाउंड बाय, ये है ट्रेडकेंशिया पोलन, ये ट्रेडकेंशिया के पोलन एंड स्टेमंस है, आपको नज़र आ रहे होंगे जिस सैम ने इसको स्ट्रक्चर किया, काफ़ी अच्छी मैग्निफिकेशन आती है। दिस इज़ अनदर व्यूज एंड दिस इज़ द लो टेम्परेचर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, सोयाबीन सिस्ट, नेमेटोड की सिस्ट एंड इसके एग जो हैं 1000 टाइम मैग्नीफाइड हो गए हैं। दिस इज़ द एग एंड दिस इज़ द सिस्ट ऑफ द नेमेटोड सोयाबीन के ऊपर, यानी अच्छा रेजोल्यूशन आता है। एंड दिस इज़ द थर्ड इमेज, आप उम्मीद करिए ये कौन सा इमेज होगा। दिस इज़ द इमेज ऑफ द हेड्रोइड फ्रॉम द डिबोनियन ऑफ मिचगान, लार्जेस्ट ट्यूब डायमीटर, ये कोई आई होप ट्यूब एनिमल का होगा ये। उसके बाद ये है आपका, ये सैम के लिए हुई है फोटोग्राफ, और ये भी इमेजेस हैं। किडनी स्टोन है, ये किडनी स्टोन का है, इसके क्रिस्टल शो किए गए हैं, कैल्शियम ऑक्सालेट डाइहाइड्रेट के क्रिस्टल्स, यानी ये मैं जो आपका डायमंड होता है या क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना, उसको उसकी रियलिटी भी चेक कर लेते हैं, क्वालिटी भी जो सही है या गलत है उसकी क्वालिटी चेक हो जाती है। और दिस इज़ द अनदर इमेज, दिस इज़ द स्टोमेटा लोअर सरफेस ऑफ लीफ, ये लीफ की लोअर सरफेस के स्टोमेटा का इमेज है, बताइए कौन से स्टोमेटा है इसमें। दिस इज़ द स्टोमेटा। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, यूज फॉर स्पोर्ट केमिकल एनालिसिस इन द एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूज इन द एनालिसिस ऑफ द कॉस्मेटिक कॉम्पोनेंट विच आर वेरी टाइन इन साइज, यूज टू स्टडी द फिलामेंट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज टू स्टडी द टोपोग्राफी एलिमेंट यूज इन इंडस्ट्रीज।
एडवांटेज क्या है, दे आर ईजी टू ऑपरेट एंड हैज़ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसिस, यानी इसको यूज़ करना अच्छा है, आसान है। दे आर यूज़ इन द वराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। सम मॉडर्न जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेम अवेलेबल हैं जो डिजिटल डाटा दे देते हैं, डेट कैन बी पोर्टेबल, इट इज़ ईजी टू अक्वायर द डाटा फ्रॉम सेम विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी 5 मिनट में पूरा डाटा हम ले सकते हैं। अब इसके नुकसान भी हैं, यानी कमियाँ भी हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी मिलियंस में इसकी कॉस्ट है, दे आर बल्की टू कैरी, काफ़ी बड़ा है, कैरी नहीं कर सकता कोई इसको, दे मस्ट बी यूज इन रूम, इसके लिए रूम चाहिए जिसमें वाइब्रेशन ना हो, दे मस्ट बी मेंटेन विद द कंसिस्टेंट वोल्टेज, दे शुड बी मेंटेन विद एक्सेस टू कोडिंग सिस्टम। द कम्बिनेशन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इकट्ठा है, सो यूज़ ए कन्वर्जेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोकस ए प्रोब ऑन द स्पेसिमन एंड प्रोब इज देन स्कैंड ऑन द सरफेस कलेक्टिंग द सिग्नल विच आर देन कलेक्टेड एज पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म इमेज। आई होप आपको ये सारा मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा। बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं जी, उनके मैंने ये फाइल नेट से ली है, उससे आपको करवा रहा हूँ, अच्छा मटेरियल था, आपको इमेजेस भी अच्छे क्लियर हो गए हैं, और कभी वक्त मिला तो आपको मैं वाइट बोर्ड के भी करवा दूंगा। ये सीएसआई नेट के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।